देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में गॉथिक नॉवेल क्या होता है, आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। इस वीडियो में गॉथिक नॉवेल का इंग्लिश और हिंदी में डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ फेमस नॉवेल्स और नॉवेलिस्ट्स को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए, गॉथिक नॉवेल क्या है, इसको जानने से पहले थोड़ा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि गॉथिक नॉवेल है क्या और किस कैटेगरी में ये आता है। देखिए, गॉथिक नॉवेल जो है जेनरा ऑफ फिक्शन, मतलब फिक्शन के कैटेगरी में आता है, लिटरेचर के फिक्शन के कैटेगरी में गॉथिक नॉवेल आता है। और अब फिक्शन क्या है, फिक्शन मतलब मनगढ़ंत और झूठी कहानी होती है, जो नॉवेलिस्ट या राइटर्स के जो माइंड का क्रिएशन होता है उसी को हम फिक्शन बोलते हैं। इसमें कैरेक्टर्स, पात्र जो होते हैं फिक्शीशियस होते हैं, ठीक है। देखिए, हॉरेस वॉलपोल ने फर्स्ट गॉथिक वर्ड गॉथिक नॉवेल के तौर पे इंट्रोड्यूस किया था, जिसका उन्होंने सबटाइटल दिया था अ गॉथिक स्टोरी, ठीक है। आगे हम इसका आप डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, गॉथिक नॉवेल है क्या, गॉथिक नॉवेल जो है ये कम्बिनेशन होता है हॉरर और रोमांस का। मतलब ये कि उसमें रोमांस पहले दिखाया जाता है, रोमांस जो इसमें चुड़ैलें होती हैं जो लड़कियों के भेष में आ करके रोमांस करती है या और भी कुछ चीज़ें करती हैं, उसके बाद फिर उसमें हॉरर दिखाया जाता है, मतलब वो फिर अपने असल रूप में आ जाती है तो डर का माहौल क्रिएट हो जाता है, या बीच बीच में वो रूप भेष बदलती रहती है वो जो चुड़ैलें होती हैं। तो इसी तरह से उसमें हॉरर और रोमांस का कम्बिनेशन होता है। उसमें स्टोरी होती है टेरर और सस्पेंस की, मतलब सस्पेंस होता है उसमें कि आगे क्या होगा, आगे कौन सा रूप लेगी, क्या करेगी वो, इस तरह से वो जनरेट किया जाता है स्टोरी को। और आमतौर से इसका जो सेट या सेटिंग जो तैयार किया जाता है, इन ए ग्लोमी डार्क ओल्ड कैसल और मॉनेस्ट्री, मतलब कि पूरा अंधेरा सा या एक पुरानी सी हवेली होती है उसमें इसकी सेटिंग को तैयार किया जाता है, मतलब इर्द गिर्द उसी हवेली के आसपास में कहानियाँ घूमती रहती है नॉवेल की, ठीक है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं नॉवेल्स और नॉवेलिस्ट के। सबसे पहला एग्जांपल तो आपका हॉरेस वॉलपोल का, जिसने फर्स्ट गॉथिक नॉवेल को इंट्रोड्यूस किया था 1764 में, द कैसल ऑफ ट्रेंटो, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है आपका ड्रैकुला 1897 में, ब्रैम स्टोकर के द्वारा ये नॉवेल को इंट्रोड्यूस किया गया था। और तीसरा एग्जाम्पल है आपका द ब्लीक हाउस 1853 में, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मंजरे आम पे लाया गया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस छोटे से वीडियो में गॉथिक नॉवेल को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपने इस वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि इस तरह से वीडियोज़ आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।